हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। तो इस डिज़ाइन से आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हम इसका कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल का कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। कपड़ा मैंने कॉटन का लिया है यहाँ पर। तो जैसे ये एक पीस है और ये हमारे 7 पीस हैं, सेम साइज़ के हैं ये 7 पीस। तो ये वाइट कलर का पीस है, ये है हमारा मेजरमेंट में 9 इंच है, यहाँ से 9 इंच है और यहाँ से भी 9 इंच है। 9 बाई 9 इंच का ये ब्लॉक है, 9 बाई 9 इंच का ब्लॉक है। रेड कलर के पीसेस लिए हैं मैंने, 7 पीस चाहिए यहाँ पर। तो सारे पीसेस सेम साइज़ के हैं, मेजरमेंट में है 3 इंच, यहाँ से भी 3 इंच, सारे पीसेस सेम साइज़ के। सबसे पहले हम ये पीस रेडी करेंगे। तो जैसे ये पीस है, इसका हमें जैसे यहाँ से इस तरह से ऐसे रखना है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर यहाँ से हमें सीधी लाइन लगा देनी है। दूसरी साइड से भी हमें दोनों कॉर्नर को मिला के ऐसे सीधी लाइन लगा देनी है, एकदम बराबर लाइनें आनी चाहिए। इसके बाद ये पीस लेना है, इस पीस को हमें यहाँ पर रखना है। जैसे ये कॉर्नर हमारा यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, चारों कॉर्नर हमारे इस तरह से सेट हो जाने चाहिए। तो ये कॉर्नर ये सारे सेट हो गए हैं, यहाँ पर लगा देंगे एक पिन जिससे कपड़ा हिले ना। इसके बाद ये पीस है, यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है, यहाँ तक पूरा फिक्स कर देना है सिलाई के साथ। तो ये यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरह से हमारा ये फिक्स हो गया है सिलाई लगा के। अब ये पीसेज है, इनको भी हमें सेंटर से इस तरह से निशान लगाना है। तो ये निशान लगाया, इसके हमें दो दो पीस कर लेने हैं। ये 2 पीस हो गए हैं, ये सारे पीस इसी तरह कट कर लेंगे। ये सारे पीसेस कट कर लिए हैं, अब इनको रख लेंगे हम साइड में। इसके बाद दो ये हमें एक स्ट्रिप्स लेनी है वाइट कलर की। तो ये मैंने ली है चौड़े में, जैसे 1.5 इंच ली है यहाँ से, 1.5 इंचेस लंबी स्ट्रिप्स लेनी है, यहाँ पर लगेगी हमारी। अब देखिए ये स्ट्रिप्स है डबल में है, ये मैंने डबल रखी, दोनों साइड हमारी लगेगी। यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरह से रखना है और इसके बराबर यहाँ लाइन लगा लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पीस बन गए हैं। तो एक पीस यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह से हमें इनको यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ लगा देंगे सिलाई और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये दोनों पीस सिल दिए हैं, इन पीसेस को हमें इस तरह से करना है, ऐसे यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद अब ये हमारी यहाँ तक ये स्ट्रिप्स लग गई है, अब यहाँ पर भी लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसे रखना है और इसके बराबर यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे 2 पीस बन गए हैं, एक हमारा इस साइड में आएगा, एक इस साइड में आएगा। तो यहाँ पर ऐसे बराबर रख के सिलाई लगा देनी है और ये यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर भी ये स्ट्रिप्स मैंने लगा दी है, अब इस स्ट्रिप्स को हमें इस तरह से खोलना है, यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने जैसे जब भी हम स्ट्रिप्स लगाएंगे प्रेस करेंगे, जिससे हमारी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये पीस हमारा इतना बन गया है। अब ये पीस लगेंगे हमारे, तो इनको क्या करना है, इस तरह से हम डबल कर लेंगे, इसका हमें मिडल पॉइंट निकाल लेना है। तो यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। अब ये पीस है, जैसे ये कॉर्नर है, इसे हमें यहाँ पर जैसे मैंने कट किया है, सेंटर है इसका, इसको हमें इस तरह बराबर करके रख लेना है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। और ये हमारा जैसे इस तरह से यहाँ पर सिलाई आनी चाहिए, इस तरह कॉर्नर आएगा ये। तो यहाँ पर ऐसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दी है सिलाई, अब इसको हमें इस तरह पलटना है, यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा इस तरह ऐसे कॉर्नर दिखना चाहिए, ऐसे इस तरह लगना चाहिए ये पट्टी। ये एक कॉर्नर में लगी है, अब ये हमारे ये पीसेस हैं, ये 4 कॉर्नर है, चारों में लगेंगे। जिस तरह ये लगाया है इसी तरह ये भी ऐसे लगेगा यहाँ पर, और इसके बाद ये यहाँ पर लगाएंगे और ये पीस यहाँ पर लगेगा। तो सारे पीसेस लगाते हैं, सारे पीसेस यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमें कर लेनी है प्रेस, जिससे सारे पीसेस हमारे सेट हो जाएंगे।
प्रेस करने के बाद अब ये हमने 1.5 इंच की जो स्ट्रिप्स ली है ये हमारी यहाँ पर लगेगी और एक इस साइड में लगेगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इनको बराबर करके रख लेना है। तो यहाँ से सीधी सिलाई लगा देनी है, जिस दोनों तरफ ये सिलाई लगा दी है, दोनों स्ट्रिप्स लग गए हैं, इनको हमें इस तरह से कर लेना है, यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ तक ये स्ट्रिप्स लेनी है वाइट कलर की, इसको इस साइड में यहाँ पर लगाना है और इसी साइज़ की हमें दूसरी साइड में लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, दोनों तरफ ये सिलाई लग गई है, ये स्ट्रिप्स हमारी इस तरह से हम खोल लेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। इतना बनने के बाद ये हमारा इतना बन गया है। अब फिर से हमारे ये कॉर्नर आ गए हैं, तो ये स्ट्रिप्स जो हमने कट की थी सेंटर से, इसे भी हमें, ये मैंने सेंटर इसका मिडिल पॉइंट निकाला है। तो हमारा क्या ध्यान में रहता है, यहाँ भी बराबर आना चाहिए, इस साइड में भी बराबर आना चाहिए और यहाँ पर हमें ऐसे लगाना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये भी बाकी के भी हमें चारों कॉर्नर में इसी तरह से सिलाई लगा के अटैच कर देने। तो ये पीसेस चारों कॉर्नर में मैंने लगा दिए हैं। अब इनको इस तरह खोल लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे प्रेस। तो यहाँ पर प्रेस कर दी है। इसके बाद हमें ये वाइट कलर की पट्टी लेनी है, यहाँ से इसके बराबर लेनी है और यहाँ पर हमें इस तरह रख देनी है। जो भी एक्स्ट्रा होगा हमारा, ये सीधी पट्टी रखेंगे तो वो एक्स्ट्रा हमारा अंदर रह जाएगा। और ये दूसरी साइड में ऐसे रखेंगे और यहाँ से सीधी लाइन लगा देनी है सिलाई की। दोनों स्ट्रिप्स लगा दी है, अभी इन स्ट्रिप्स को इस तरह से करना है और यहाँ पर कर लेनी है प्रेस। इसके बाद हमें यहाँ से इतनी स्ट्रिप्स लेनी है लंबी और इसको हमें यहाँ से इस तरह सीधा रखना है, यहाँ से सिलाई लगा देनी है और ये दूसरी साइड में भी ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये स्ट्रिप्स भी लग गई है, इसको भी हमें इस तरह करना है और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद ये पीस हमारा इस तरह से बन गया है। अब ये पीसी से हमारे, जैसे ये हमने कॉर्नर में लगाए थे, ये भी हमें इन कॉर्नर में लगाने हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले लगाया मैंने, उसी तरह हमें यहाँ पर लगा देने हैं, ये इस साइड में, चारों साइड में हमें इसी तरह लगा देने हैं जैसे पहले लगाए थे। ये सारे पीसेस कॉर्नर में लग गए हैं। अब यहाँ पर हमें इनको प्रेस कर लेनी है, जैसे ये पीस है इसको हमें इस तरह टर्न करना है और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। अब ये सारा पीस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें जैसे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो गया है कपड़ा, सिलते टाइम हो जाता है, तो इसे हमें इस तरह से सीधा स्केल रखने हैं और सीधी लाइन लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो कट कर लेना है चार ओर से। तो ये मार्किंग कर दी है और जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा है इसे हमें कट कर लेना है, बाकी भी इसी तरह कट करेंगे। तो ये पीस बन के रेडी हो गया है। जैसे हमारा 9x9 इंच का लिया था मैंने, तो वो हमारा उतना ही रेडी होगा, लेकिन डिज़ाइन हमारा ये बन गया है। अब जैसे हमने ये वाइट कलर का लिया था, तो यहाँ पर नया कपड़ा लेना चाहे तो नया ले सकते हैं, पुराना भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अंदर में ही रहेगा, बाहर हमारा यही डिज़ाइन दिखेगा। हमारा बन गया एक पीस। अगर आपको जैसे इसको और बड़ा करना है तो आगे आगे इसी तरह के ये 1.5 इंच की पट्टी लगाते जाना है और बाद में हमें ये कॉर्नर में लगाने हैं, तो जितना बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। ये मैंने एक पीस बना लिया है, तो इसी साइज़ के हमें सेम साइज़ के चार पीस बना लेने हैं। तो ये चार पीस हमारे सेम साइज़ के हैं, अब इनको हम असेंबल करेंगे। दो पीस लगा दिए, ये तीसरा पीस है, इसको हमें ऐसे लगा देना है और ये चौथा पीस है, इस ऐसे लगा देंगे। अब इनको सिलना है, तो जैसे ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। दोनों पीसेस सिल दिए हैं, अब इनको हमें इस तरह से सिलना है। तो सिलना कैसे है, जैसे ये हमारी स्टिचिंग लाइन है, इसको हमें इस तरह खोल लेना है दोनों साइड की, जिससे यहाँ पर मोटा नहीं बनेगा कपड़ा। तो दोनों को खोल के यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। सारे पीसेस ज्वाइन कर दिए हैं, यहाँ पर हमें प्रेस कर लेनी है, जिससे सारी हमारी जो भी सिलाइयाँ हैं एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी। ये सारा पीस हमारा बन के रेडी हो गया है। तो बनने के बाद हमारा रेडी हुआ है 17 इंचिस बना है और यहाँ से भी हमारा ये 17 इंचिस है। तो इसका हमारा जैसे 16x16 का कुशन कवर बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको जैसे बेडशीट बनानी है या टेबल का कवर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप इस तरह के, जैसे ये मैंने एक ब्लॉक कट किया था
फिर ज्वाइन किए हैं। इस तरह हमें बहुत सारे पीसेस कट करके आगे आगे ज्वाइन करते जाना है, तो पूरा डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। डिज़ाइन आपको कैसा लगा? डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।